देखने वाला हूँ सारी तस्वीरें. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी डब्बू'स कैलेंडर एंड होपफुली ही इज डन अ रियली ब्यूटीफुल जॉब अगेन दिस ईयर. हमेशा यू नो ही डज समथिंग रियली स्पेशल. एक अच्छी तस्वीर शूट की उन्होंने मेरी भी, तो जाके देखता हूँ कैसे आई. शूट के दौरान आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया डब्बू? हमेशा मजा आता है डब्बू के साथ काम करते वक्त. बहुत ही अच्छे इंसान है इनका. आई थिंक 15th ईयर है, 15 साल हो गए शायद या 14 साल हो गए ये कैलेंडर अब तक बना रहे हैं. किसी ने ये अचीव नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. डब्बू एक्चुअली कभी मुझसे कोई मांग नहीं करते. हम जब प्रोफेशनली भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, मतलब महीने में 2 या 3 बार काम करते ही करते हैं फिल्मों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए. तो मुझसे कभी स्पेशली कोई आज तक शूट उन्होंने नहीं किया है. वो हमेशा मुझे बोलते हैं जहां तुम हो वहां मैं आ जाऊंगा और कुछ ना कुछ मैं बना लूंगा बस 5 मिनट. सो दिस टाइम फॉर आई हैड टू ड्राइव ऑल द वे डाउन टू वाई, बट आई डिडंट फील सो गिल्टी. एक्चुअली ही केम टू शूट दीपिका एंड मैं तो साइड में. हाँ मैं लगे हाथों मेरा फोटो हुआ. एक्चुअली देट कम टू शूट दीपिका पादुकोण. सो मैं दोपहर में सेट पे आए थे, तो इसे मैं यही कर लूंगा. ही टेक्स ओनली 5 or 4 मिनट्स विद मी टू शूट, सो इट्स नेवर अ प्रॉब्लम. अच्छा, एक अपनी फोटो हटा के आपको किसकी फोटो और सबसे अच्छी लगी? सॉरी, अपनी पिक हटा करके और किसकी? मैं अभी देखी नहीं, मुझे फरहान की बहुत अच्छी लगी जो मैं देख सका. आई थिंक मैं आराम से देखूंगा यार. मुझे फरहान दिखा अच्छी तरह, तो दैट वॉज नाइस. आई थॉट काजल बहुत अच्छी थी. आई हैवंट सीन दैट पिक्चर. आई विल सी देम आराम से बैठ गया. अच्छा, तो मैं लेक के अंदर थोड़ा था, मैं यहीं तक तो है पानी.